मालिका, ऐसा लगता है तुम्हें कोई बात अंदर ही अंदर खा रही है और तुम्हारा सांस लेना दुश्वार हो रहा है। इस महल में हम जैसी बहुत सी औरतें रोज आती जाती हैं और इन सुल्तानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे बचने का कोई तो हल जानती होंगी आप। हरम में आने वाली हर औरत के दिल में मलिका बनने की ख्वाहिश होती है। कोई नूरे नजर बन जाती है और किसी को जन्नत की तरह कुर्बान कर दिया जाता है। जन्नत का अल्फा ने बताया था मुझे, किसी खातून ने चेहरा जला दिया था उसका। क्या आप जानती हैं कौन थी वो खातून मलिका? मरहूम मेहमत खान की नूरे नजर हुआ करती थी मैं, और सफिया सुल्ताना को ये बात हरगिज पसंद ना थी। उनका मकसद मुझे आका की नजर से गिराना था। जन्नत दो बार आका की खिलवत में जा चुकी थी। हम एक दूसरे को नापसंद करते थे। अगर सच बताऊं तुम्हें तो सब जानते थे कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। और एक सुबह जन्नत की चीखों से गूंज उठा पूरा महल, क्योंकि जन्नत के तकिए पे किसी ने जहर मल दिया था और सबको लगा इसके पीछे मैं थी। चाहे मैं कितनी ही गिर जाऊं कौसम, मगर किसी औरत के साथ ऐसा नहीं कर सकती। चलती हूं मैं।